अब ये वीडियो में हम पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं तुमको इसमें दो तरीके बताऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। पहली बात तो हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाएंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर फटाफट आ जाएगा। दूसरा मैं एक तरीका बताऊंगा, अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला बाई चांस याद नहीं रहा एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करें। तो ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्वेश्चन में क्या दी थी, ऑब्जेक्ट था हमारा एक्स इक्वल टू वन पे, इमेज कहाँ पे थी, एक्स इक्वल टू सिक्स पे। तो कैपिटल डी कितना होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5। हमने अब लेंस को शिफ्ट किया था दो जगह पे, लेंस की दो पोजीशन ली थी। पहली तो थी लेंस की पोजीशन x1 इक्वल टू 4.61 और दूसरी पोजीशन थी x2 इक्वल टू 2.39। ये दोनों पोजीशन पे जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा था एक्स इक्वल टू सिक्स पे, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन फिक्स रखी, उसके लिए हमारे पास लेंस की दो वैल्यूज मिली। तो स्मॉल डी कितना होगा लेंस का डिस्प्लेसमेंट, वो होगा x1 माइनस x2, ये आएगा तुम्हारे पास 2.22, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट मेथड का, एफ इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d, ठीक है। कैपिटल डी की वैल्यू 5, स्मॉल डी की वैल्यू 2.22, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 2.22 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली लेंगे 4.93 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 होगा 20, तो ये आया तुम्हारा बराबर 20.07 डिवाइड बाय 20। तो फोकल लेंथ हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.0035, ठीक है। ये जो थोड़ा सा वन से डेविएशन आया क्यों आया, क्योंकि हमने मैन्युअली वो एक्सपेरिमेंट किया था, हमने लेंस को थोड़ा मैन्युअली शिफ्ट किया था आगे पीछे, एक्यूरेटली शिफ्ट नहीं हुआ था, परफेक्ट लोकेशन हमने नहीं ली थी, तो थोड़ा सा एरर ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। ह्यूमन एरर होता है, चलता है इतना। पर अब ठीक है, सपोज करो एग्जाम में तुम्हारा ये फॉर्मूला तुमको याद रहा नहीं तो क्या करोगे। तो एग्जाम में अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे समझो। सबसे पहले तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी स्क्रीन, ओके। दोबारा डायग्राम बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वापस ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है, और ये स्क्रीन को हम एक्सटेंड कर देते हैं यहीं पे, ओके। अब लेंस की दो पोजीशन है जहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है स्क्रीन पे इमेज बनाएगा। तो सपोज करते हैं कि वो दो पोजीशन ये थी, पहली पोजीशन ये है, ठीक है, और दूसरी पोजीशन ये है। ये दोनों पोजीशन पे लेंस जो है इमेज बनाएगा स्क्रीन पे। तो अज्यूम करो कि ये डिस्टेंस जो है एक्स है और ये डिस्टेंस जो है वाई। मैंने बताया था कि यहाँ पे ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा और ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, ये एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कैपिटल डी हमको ऑलरेडी वैल्यू पता है, यहाँ से हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल डी लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल डी हो जाएगा। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस स्मॉल डी, ठीक है। तो स्मॉल डी तुम्हारा कितना होगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, तो स्मॉल डी कितना होगा, एक्स माइनस वाई। तो ये दोनों इक्वेशन हम साथ में लिख लेते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, स्मॉल डी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। कैपिटल डी 5 के बराबर है, स्मॉल डी 2.22, तो कैपिटल डी को लिख लेते हैं 5, स्मॉल डी 2.22। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और y माइनस वाई कट जाएगा, तो आ जाएगा 5 प्लस 2.22 यानी कि 7.22। तो यहाँ से मुझे x कितना मिला, 3.61, ठीक है। ऐसे अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो x कट जाएगा और मुझे मिलेगा 2y, 2y इक्वल टू, 2y इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2.78, 5 माइनस 2.22 यानी कि 2.78। तो यहाँ से मुझे y कितना मिला, y मिला 1.39। अब देखो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंस से x है, इमेज की पोजीशन लेंस से y है, तो मैं लिख सकता हूँ कि u इक्वल टू माइनस एक्स यानी कि -3.61,
और इमेज पोजीशन वी कितनी है वाई, यानी कि 1.39। बस लेंस फॉर्मूला में लगाओ इसको, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है तुम्हारा 1.39, 1.39 माइनस u कितना है 3.61, माइनस 3.61। तो 1 - -3.61 इक्वल टू 1/f। सॉल्व करो इसको, फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो अगेन तुम्हारी फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम में अगर तुम लोग भूल गए, अगर ये फॉर्मूला तुम लोग एग्जाम में भूल गए, तो एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, एक्स और वाई लिखना है, फिर ये दो इक्वेशन लिखनी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू स्मॉल डी, ठीक है। बस फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, उसको हम रखेंगे लेंस फॉर्मूला में और फोकल लेंथ निकाल लेंगे, हो गया।